मेरा सवाल अनु कपूर सर से और चारों प्रोड्यूसर से है। सर ये फिल्म ओटीटी पे क्यों नहीं रिलीज हुई, आपने थिएटर का ही क्यों सोचा, और आपको नहीं लगता क्या कि ओटीटी पर अगर रिलीज होती तो ज्यादा कम कॉन्ट्रोवर्सी होती, क्योंकि ओटीटी पे तो कितने सारे सेक्सुअल चीजें भी हम देखते हैं जवाब देंगे। देखिए ये फिल्म बेसिकली पहले हम लोगों ने सोचा था ओटीटी पे भी आएगी, वो भी आपको बहुत जल्दी मैसेज चला जाएगा, लेकिन जो हम लोग पहुँचाना चाह रहे थे ये फिल्म थिएटर के माध्यम से, थिएटर में जाने के बाद जागरूक करने के लिए, और जो किशन जी सवाल कर रहे थे उसका भी मैं अभी जवाब दूंगा कि क्षेत्रफल तो आपका बढ़ नहीं रहा ना, क्षेत्रफल तो वही है जो मैम ने भी बोला था कि ये बात 15 साल पहले आना चाहिए। आप 1990 में पॉपुलेशन देखिए आज कितना है, और ये एक दूसरे से सब कुछ कनेक्टेड है। यूएस हमारे से 10 टाइम ज्यादा क्षेत्रफल है, पॉपुलेशन कितना है 30 करोड़ है, पॉपुलेशन कितना 30-30 करोड़ है, आज हम लोग की पॉपुलेशन 1.25 करोड़ मतलब क्रॉस कर चुके हैं, तो 1.4 हो गया सॉरी। तो आज आप ये देख लो कि ये अवेयरनेस पूरे वर्ल्ड के लिए ना कि इंडिया के लिए, और आपका जो संसाधन है उसके लिए आपको हर एक दूसरे चीज से कनेक्टेड है। आज पहले अगर आपके दो बच्चे होंगे तो आप उनका ध्यान अच्छे से रख सकते हो, लेकिन घर में अगर आपकी इनकम 1,00,000 रुपए महीने की है, 50,000 रुपीज महीने की है, मैं चीज में पढ़ भी रहा था कि 96-97% लोग ऐसे हैं जिनकी मंथली इनकम 2,00,000 रुपए मंथ से कम है, तो अगर उनके दो बच्चे होंगे, तीन बच्चे होंगे तो उनका ध्यान अच्छे से रख सकते हैं, लेकिन अगर 5 बच्चे हों 6 बच्चे हों 7 बच्चे हों तो पहले लोग इकट्ठे भी रहते थे जितनी ज्यादा। देखिए मुद्दे की बात मैं इसलिए बता रहा हूँ आपको, फिल्म के बारे में बात बता रहा हूँ, बहुत सारी कॉन्ट्रोवर्सी है, वो टीजर ट्रेलर बहुत चल गया, लेकिन फिल्म क्या है आज के टाइम में ये मुद्दे को दर्शाती है, पॉपुलेशन के बारे में बताती है, और पहले लोग इकट्ठे भी रहते थे, पहले आज से 30-35 साल पहले भाईचारा भी बहुत था, एक घर में पूरे परिवार रहते थे, लेकिन आज अगर किसी परिवार के समझ लो कि चार अगर बच्चे तो चारों को घर अलग चाहिए, चारों को फ्लैट अलग चाहिए, रूम अलग चाहिए, रूम अलग होगा उसमें एसी लगेगा, बहुत सारे इलेक्ट्रॉनिक पार्ट्स लगेंगे, क्या टेम्परेचर, मैं दिल्ली से हूँ 46-47 डिग्री टेम्परेचर हो गया, आप दोपहर में बाहर नहीं निकल सकते हो, तो ये क्या टेम्परेचर था, ये एक दूसरे से कनेक्टेड है। घर ज्यादा चाहिए, रोड चौड़ीकरण होंगे, पेड़ कटेंगे, उतनी ज्यादा फ्लैट बनेंगे, घर बनेगा, बहुत सारी संसाधन की जरूरत है, तो ये अवेयरनेस बहुत जरूरी है कि अगर पॉपुलेशन कम हो, एक बच्चे हो दो बच्चे हो, क्योंकि आज से 30-40 साल पहले हमारा पॉपुलेशन 80 करोड़ था, हम जस्ट डबल होने के कगार पे, हमारे हिंदुस्तान में मेडिकल फैसिलिटी क्या है, आप लोगों ने देख लिया कि कोविड में क्या हालत था लोगों का, किस तरह से लोग मर रहे थे, बिकॉज ऑफ पॉपुलेशन, पॉपुलेशन हमारे हिंदुस्तान में एक बहुत गंभीर मुद्दा पैदा करता है, तो इस पॉपुलेशन पे कंट्रोल होना बहुत जरूरी है, यही है हमारी फिल्म में दिखाया हुआ। उसी बात हमने जब कांस में जब हम लोग थे नीस में, जहाँ पे हम लोग की फिल्म की स्क्रीनिंग हुई थी अनु सर थे साथ में, वहाँ हम लोग जब हम लोग ने एक विला बुक किया हुआ था, जब हम लोग भाई किशन भैया आपने इनसे पूछा ना कमल से, किशन कमल में खिलेगा तो देखो अब कह रहा हूँ कहीं कहीं बढ़ रही है कहीं घट रही है, मैंने ये बोला ही नहीं है भाई, मेरा कहने का मतलब है देखो जहाँ घट रही है उनपे भी लागू, तो वो तो वैसे ही नहीं कर रहे तो है तो डीएक्टिवेट मामला हो गया, जहाँ बढ़ रही है वो तो चुप हो जाएगी, वो तो कम कर देंगे, इसलिए जरूरत है भाई। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ यहाँ लगे यहाँ ना लगे, सब जगह जैसे मैं तो ठीक हूँ, मेरे पास तो काम है ठीक है, लेकिन ज्यादा वो तो सोचेगा भाई अब तो गवर्नमेंट का अब आदेश आ गया, अब 2 से ज्यादा नहीं करने, वो वाला मामला कहने का है, और बहुत जरूरी मुद्दा है, और ये मत बोलो बढ़ घट रही है, हम तो ये नंबर 1 हो गए, नंबर 1 वर्ल्ड में हो गए पॉपुलेशन के मामले, तुम कह रहे हो घट रही, कहां से घट रही है, गवर्नमेंट ने सुप्रीम कोर्ट में दिया है पिटीशन में जानकारी दिया है 200 करोड़ हो गया पॉपुलेशन कहां से घट रहा है, सब 1.1 जो बर्थ रेट की जो संख्या होती है डेकेड वाइज वो घट रहा है, आपको ये रिसर्च है आपको गवर्नमेंट आपको ये जरा आपको भाई ओवरऑल बढ़ रही है ना, ओवरऑल इन अ सेंस यूपी एंड बिहार में बढ़ रहा है, लेकिन अगर आप नहीं बिहार में भी कौन से जिले में, बिहार का जिला का नाम बताइए, जिला कौन सा है, आरा हिल है, छपरा हिल है, बलिया हिल है, क्या पटना है, क्या हाजीपुर है, क्या दरभंगा है, समस्तीपुर, नहीं पॉलिटिक्स में लेके बैठ गए, नहीं पॉलिटिक्स की बात नहीं कह रहा हूँ सर, पॉपुलेशन कंट्रोल, आबादी बढ़ने के पीछे बहुत सारे रीजन में जो प्राइमरी कॉज सुनिएगा आप लोग, नहीं नहीं आप बढ़ा है घटा है वो उसके
पहले लाइफ की जो मोर्टैलिटी रेट थी वो बहुत कम थी, 10 में से 7 बच्चे चले जाते थे, 3 बचते थे. आज मोर्टैलिटी रेट बिकॉज ऑफ एडवांस मेडिकल फैसिलिटीज, दवाइयां इतनी आ गई हैं, इस वजह से 10 में से 9 बच्चे बच जाते हैं. आप समझे, ये भी एक कारण है आबादी बढ़ने का. अब आपने कहा कुछ जगह पर, तो कुछ जगह पर तो ठीक है ना, तो आप एक डंडे से सबको नहीं कर सकते, वो स्टैटिक्स. और कहां ये गवर्नमेंट वार्मेंट, कहां पॉलिटिक्स की बात पे बैठे यार. किशन तेरी सूरत से लग रहा, तू मैरिट नहीं है, बहुत जरूरी है भाई. भाई प्लीज चुन ले सर मेरा सवाल आपसे, प्रोड्यूसर साहब, एक्सपीरियंस जरूर शेयर किया, आप एक लेखक भी हो, क्या 2 लाइन आप यू नो पोएट्री बता दोगे इस मूवी को लेकर? मूवी का ये है कि बात हो रही है कि महिलाओं की जो आवाज है जो दबी हुई है उसको बाहर निकालने की. आवाज जो है वो है, म्यूट नहीं है, वो उनकी आवाज है, बस उस दहलीज के बाहर नहीं आ रही है. वो किसी रसोई घर में दबी हुई है, उस आवाज को बाहर आना चाहिए. वो हमारे हिंदुस्तान की महिला जब अपनी साड़ी को, जब अपने पल्लू को परचम बना लेती है तो वो ऑस्कर लेके आती है, वो भी महिला ही होती है, ठीक है. वो फिल्म में कांस में लेके जाती है, वो भी फीमेल डायरेक्टर ही होती है. तो बात ये नहीं होनी चाहिए कि हम बराबर नहीं है, महिलाएं बेहतर है. मर्दाना कमजोरी के इश्तेहारों से रंगी है शहर की दीवारें, मर्दाना कमजोरी के इश्तेहारों से रंगी है शहर की दीवारें, और कहते हैं औरतें कमजोर हैं. मर्दाना कमजोरी के इश्तेहारों से रंगी है शहर की दीवारें, मर्दाना कमजोरी के इश्तेहारों से रंगी है शहर की दीवारें, और कहते हैं औरतें कमजोर हैं. प्रोड्यूसर सर आप लोगों ने कहा कि इस आपने बहुत बड़ा दावा किया कि पॉपुलेशन कंट्रोल बिल आना चाहिए, आप कह रहे हैं. आपने ये किस बेस में आपने कहा? क्योंकि जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो सुप्रीम कोर्ट में हो या पार्लियामेंट में हो, वो कह रहे हैं कि जरूरत नहीं है, कि पॉपुलेशन कंट्रोल बिल की जरूरत नहीं है, क्योंकि पूरे देश में पॉपुलेशन घटता जा रहा है. 1.1 रेट पॉपुलेशन घटता जा रहा है, पॉपुलेशन जो है वो डिक्रीज लेवल में हो रहा है. 1.1 पॉपुलेशन की जो बर्थ रेट है वो हो रहा है. सिर्फ उत्तर प्रदेश और बिहार में जो पॉपुलेशन है वो बढ़ता जा रहा है, और दूसरे स्टेट में पॉपुलेशन वो है डिक्रीज लेवल में जा रहा है. पॉपुलेशन जो डिक्रीज लेवल में होता जा रहा है, तो आप किस बेस में पॉपुलेशन कंट्रोल बिल की मांग कर रहे हैं? क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट इस तरह की कोई भी बात नहीं कर रही है. क्योंकि जब 2019 के चुनाव हुए थे यूपी में भी, तो उस समय बहुत बड़े पैमाने में बोला गया था कि पॉपुलेशन कंट्रोल बिल आना चाहिए, लेकिन अभी भी ना ही सेंट्रल गवर्नमेंट हो ना ही स्टेट गवर्नमेंट हो यूपी के, उन्होंने पॉपुलेशन कंट्रोल बिल पर बात नहीं किया है. तो ये एक तरफ का जो एक कहा जा रहा है कि पॉपुलेशन कंट्रोल बिल को लेकर आप वो देखो भाई, अब लोग नंबर 1 हो गए. चाइना में 1 child पॉलिसी रहा है, तो उसके वजह से वहाँ की जो कंट्री को काफी प्रॉब्लम हुआ है, मैं ये कह रहा हूँ. चाइना को काफी प्रॉब्लम हुआ है 1 child पॉलिसी के वजह से. तो मैं ये कह रहा हूँ कि आप किस बेस में आप कह रहे हैं कि ये बिल आना चाहिए, तो आप ऐसा कोई रिसर्च बंद करोगे तब तो मैं जवाब दूंगा भाई. करेक्ट सुनो भाई. हाँ, जो जनता है 125 करोड़ जनता है जो देश की, वो इस बात को समझेगी और फिल्म जाकर देखेगी, उनको फिल्म इतना अच्छा लगेगा कि उनकी उस फिल्म की जो हमारी जो बातें सामने रखेगी देखने के बाद, तो हमारा जो भी नुकसान है वो नफे में बदल जाएगा. मेरा दूसरा सवाल यह है कि फिल्म जी डायरेक्टर कमल जी, मेरा सवाल यह है, अनु सर आप भी आंसर कर सकते हैं इस पे. अरे मैं जी जी आपकी टाइम पे जो ड्राइव थी वो बहुत ही जेन्युइनली की गई थी, लेकिन हमारे कंट्री के अंदर एक पॉइंट तक जेन्युइन रहते हैं और उसके बाद जो करप्शन शुरू होता है तो वही अंजाम हुआ. 18 साल के बच्चों को पकड़ के उनकी नसबंदी कर दी गई क्योंकि उसके ऊपर प्रेशर था.
जो ब्यूरोक्रेट्स के ऊपर प्रेशर था कि तुमको इतने केसेस फैमिली प्लानिंग के लाने ही हैं। तो ये फैमिली प्लानिंग वाले पहुंचते थे हरियाणा के गांव में, तो एक ताऊ के पास पहुंच गए बेचारे, ताऊ 70-80 वर्ष के थे, तो ताऊ से कहा के भाई आपको फैमिली प्लानिंग की योजना में जो भी टिबिक्टॉमी होती है वसेक्टॉमी होती है करवानी पड़ती है, तो ताऊ ने कहा कि भाई कनेक्शन तो पहले ही काट गया, अब मीटर भी उखाड़ देना। देखिए थोड़ा सीरियस नोट पे ये है, मैं बता रहा हूँ सीरियस नोट पे बता रहा हूँ, बहुत जरूरत है इस देश को जनसंख्या नियंत्रण बिल की, क्योंकि आप हमारी जो टेंडेंसी है ना यही है कि जब तक लागू नहीं करोगे जब तक लोग उसको फॉलो नहीं करेंगे, फॉलो करना जरूरी है और फॉलो जब करेगा जब गवर्नमेंट जब तक उसको लागू नहीं कर रही है। हमारी गवर्नमेंट ने ब्रेक एंड ड्राइव पे लागू किया है, वैसा पॉपुलेशन पे भी लागू करना चाहिए। सर ये जो मूवी है इसका ऑडियंस कौन है? ऑडियंस 400 रुपए हैं आज, आज है तो अभी दिखाता हूँ। 400 रुपए मेरे पास नहीं है, आई थिंक जिसके लिए मूवी बना उसके लिए प्राइस मैटर करता है। भाई भाई मेरे, आपका शुभ नाम क्या है? शैलेश। शैलेश भाई बात ऐसी है, फिल्म मेकर ये जो चार जो बंदे बैठे हुए हैं आपके सामने इतने इतने खूबसूरत हैं, आप ये देखिए इनके टॉपिक, इन्होंने पैसा खर्च किया है डायरेक्टर की, डायरेक्टर के लिए इतना बहुत बड़ा ब्रेक है ये, तो हम तो हम सबके लिए फिल्म बनाएंगे भाई, यूनिवर्सल फिल्म बनाएंगे, ऑस्कर मिल जाए तो और अच्छा हो जाएगा। बात सही है सर आपकी, बट जिसके लिए हम फिल्म बना रहे हैं उन तक नहीं पहुंच रहा। इस तरह से कोई नहीं देखता है, टीवी वालों ने तुमको बेवकूफ बनाया कि 15 से लेकर 35 का टारगेट, फिर 15 साल का बच्चा अरे बाहर जाके गर्लफ्रेंड बनाएगा जो तुम्हारा टीवी सीरियल है। क्या वहाँ पर टिकट रेट डाउन होगा नहीं होगा ताकि उनको एजुकेशन मिले? देखिए जैसे ही गवर्नमेंट ने टैक्स फ्री का ऐलान किया, कोई भी गवर्नमेंट हो राजस्थान सरकार हो कहीं भी, तो डेफिनेटली हम अपना देखेंगे, लेकिन भाई इतना पैसा लगा 35 करोड़ रुपए पहले निकाल तो लो यार, धक्के खा रहे हैं यार। एक एक आता है, एक एक आता है, हमारी वीरेंद्र भगत जी से आता है भाई, जोड़ के सर अकाउंट बताते रहते हैं, देखिए पैसे चले गए, ये देखिए 7.5 ऐसा पहले भाई भाई जोड़कर उसके बाद जो बच्चा खुचा था कोर्ट में जाने के बाद और खर्चा हो गया। तो अब आप लोग से दर्शक से मतलब आप पब्लिक से ही ये अपील करेंगे कि जरूर जाकर फिल्म को देखें और जो सभी लोग देखें। सर उनका सवाल था 400 रुपए टिकट वाले लोग नहीं जाएंगे, इसके लिए कुछ कम करोगे क्या? फेसबुक उसका सवाल भाई, राज भाजी वाले के पास भी 25,000 रुपए का मोबाइल है, 25,000 रुपए का मोबाइल भाजी वाला लेता है, इस पे ही ऑर्डर दे देना तो वो कुछ नहीं प्रॉब्लम। अपने आप फिल्म्स और फिल्म से रिलेटेड चीजें हमेशा चली हैं, चलती रहेंगी, अभी ओटीटी आया, अभी इसके पास और भी बहुत सारी चीजें आएंगी, और आप जो मीडिया वाले बहुत अनुग्रहित होकर यहाँ पर चले आते हैं, आपके पास इतना काम है, आप लगे हुए हैं, आपको जरूरत नहीं है किसी की, आप तो बस देख लो जाओ। 600 करोड़ वाली फिल्म आ रही है भाई। हेलो हेलो जी, मैं आकाश हूँ नवभारत से, यहाँ पे मेरा सवाल फिल्म के प्रोड्यूसर से है कि इस कहानी को दर्शकों तक लाने के लिए आप लोगों को अपनी लड़ाइयाँ लड़नी पड़ी हैं, तो सुप्रीम कोर्ट का अनुभव कैसा था कि वहाँ पे किन मुश्किलों का सामना करना पड़ा जब ये आपने अपनी बात वहाँ पे रखी और कोर्ट ने किन चीज़ों पर आपत्ति जताई थी, अगर उसके बारे में कुछ बताएंगे? देखिए मैं सुप्रीम कोर्ट गया था जब अपील थी, मैं वहाँ पे खड़ा था, सुप्रीम कोर्ट ने अपने जजमेंट में कहीं भी सिर्फ एक तीन बातें लिखी थी और तीन जगह लिखी थी, मीडिया में बहुत कुछ बातें चलाई गई कि सुप्रीम कोर्ट ने टीजर पे ऑफेंसिव बताया, ये बताया वो बताया, टीजर ऐसा नहीं होना चाहिए, सब कुछ भी नहीं था। जजमेंट की कॉपी मेरे पास है, मैं दिखा सकता हूँ। उन्होंने बोला कि आपका मामला हाई कोर्ट में पेंडिंग है, हाई कोर्ट को आदेश दिया, निर्देश दिया कि इस मैटर को जल्द से जल्द सुनवाई करें, और माननीय हाई कोर्ट का हम धन्यवाद भी करेंगे कि उन्होंने नेक्स्ट डेट पे बस एक ही रिक्वेस्ट की कि अगर आप हमें फिल्म दिखा दो तो एक बार हम उसको जजमेंट देने में अच्छी होगी। हम लोगों ने फिल्म जज साहब को दिखाया और डबल बेंच की दो मतलब हाई कोर्ट में डबल बेंच थी, दो जज साहब ने फिल्म देखी और देखने के बाद जितना हमें नहीं बोलना था उन्होंने आकर बोला, 10 बार बात को बताई, जो भी पेटिशनर थे और 3-4 नए पेटिशनर भी आ गए थे वो सुप्रीम कोर्ट जाने की भी बात कर रहे थे कि अगर ये अपील अगर यहाँ खारिज होता हम सुप्रीम कोर्ट भी जाएंगे, लेकिन उन्होंने बताया कि एक बार आप फिल्म देखो, फिल्म के बारे में पूरी स्टोरी उन्होंने रिवील की जज साहब ने, और बोले कि वुमेन इन पावर की फिल्म है, थिंक अबाउट फिल्म है, ऐसी फिल्में आनी चाहिए और ऐसी फिल्में बननी चाहिए, और ऐसे जजमेंट में भी आप देखोगे बहुत सारी फिल्में जाती है हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट, लेकिन
जज साहब अपनी कोई आर्गुमेंट और ऐसी ओपिनियन नहीं सुनने में आया कि जो केबल जारी कर दिया गया वो बगैर सेंसर बोर्ड को दिखाई कर दिया गया। देखिए ऐसा कुछ भी नहीं था, टीजर ट्रेलर एक प्रोमो होता है एक मिनट का और वो सब बातें खत्म हो चुकी है, उन बातों का कोई फायदा नहीं है क्योंकि कोर्ट की जजमेंट आ चुकी है और मामला सॉल्व हो गया है। जो मिल गया उसे याद रख, जो नहीं मिला उसे भूल। 21 जून यानी कि टुमारो इन द फ्राइडे आज के बारे में बात चाहिए, आज क्या करना है। हेलो सर, मेरा सवाल आपसे प्रोड्यूसर साहब से। राहुल बद्दा जी का बेटा, तुम्हारे सारे सवाल सुंदर लड़कियों के सच। अच्छा ये बताओ फिल्म देख ली? नहीं देखी। नहीं नहीं देखी, कल देखूंगा यार। भाई भाई पैसे जमा करा देना कम से कम, बड़ा खर्च हो गया। भाई भाई जोड़ के फिल्म बनाई थी, जरूर देखूंगा। हेलो सर। हाँ सर, आप पहले आप बताइए सर, कैसा रहा आपका एक्सपीरियंस इस फिल्म में काम करके? परितोष जी, हाँ नहीं नहीं मैंने फिल्मों में बोला है, शुक्रिया मामा। तो 7:45 की एक मौत है, फास्ट ले लीजिए, ये मेरी फिल्म का डायलॉग है। बेवजह नहीं बोलना है और बिना मतलब के नहीं बोलना है। फिल्म जो है अपने आप में बहुत कुछ बोल रही है और कुछ हिस्सों में बोल रही है वो कल पूरी तरह से बोलेगी। जरूरी फिल्म इसलिए बनानी पड़ी, वरना कितनी सारी कहानियां हैं, ये डायरेक्टर हैं, इनके पास कहानियां आती हैं, प्रोड्यूसर हैं, ये लोग भी आपस में जुड़ के इन्होंने बैनर बनाया है, इनके पास भी दूसरी कहानी भी थी कहने के लिए, इन्होंने यही कहानी कही क्योंकि ये जरूरी है। और आप देखेंगे फिल्म तो आप सब, अगर जो भी इसके अगेंस्ट बोल रहा है वो इसके इसके साथ हो जाएगा और वो जान लोगों को बोलेगा कि आप जाओ सिनेमा देखने। मुझे लगता है ये बहुत जरूरी फिल्म है हमारी सोसाइटी के लिए। मेरा एक्सपीरियंस बहुत मजेदार रहा। अब्बू अनु सर मेरे बाप बने हैं और क्योंकि सिर्फ यही बन सकते हैं, ये किरदार में भी बाप है, एक्टिंग में भी बाप है और ज्ञान के मामले में बाप है, तो ये इन्होंने ये बाप है, बने नहीं है, ये सच है। मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूँ, जिसने कल फिल्म देखी है वो थोड़ा सा फिल्म के बारे में बताइए, उनको कैसा लगा फिल्म हमारा? और उसपे कानून बनाने की भी बात हो रही है हमारे देश में, क्या आपको लगता है कि जनसंख्या बहुत जरूरी है? मैं बताऊं कैसे, देखो अगर आप बोलोगे ना घर से शुरुआत करनी चाहिए, हमको खुद शुरुआत करनी, कुछ नहीं होगा यहाँ पे। गवर्नमेंट को आगे जनसंख्या नियंत्रण बिल बनाना चाहिए, लागू कर देना चाहिए कि भाई जरूरी है, तभी जाके इंडिया में वो कानून आएगा। हम सोचेंगे घर से शुरुआत करें, भाई तू ट्राई कर, कुछ नहीं होने वाला। तीन तलाक बिल की तरीके से इसको भी लागू करना चाहिए, तीन तलाक चलो मुस्लिम महिलाओं के ऊपर था जो भी था उन कम्युनिटी, लेकिन पूरे देश के अंदर लागू कर दो कि भैया घर में हम दो हमारे दो, और इसके बाद अगर ज्यादा करोगे तो गड़बड़ है मामला, लागू करो। लागू किया है, आना चाहिए, बहुत जरूरी है। Not only women, actually Muslim women cried. And I don't know why people are making it an issue about Muslim. Have you read that translation of 2-3 ayat? Just open your mobile phones and search that ayat and just see the translation. I like to say to you all, are you taking the responsibility of every household? And are you saying ki koi bhi ghar mein aisa nahi hota hoga? I just want to know, ek ghar ki kahani hai dude, let's not just generalize into Muslim ghar. Aur mere ghar mein jab maine wo trailer dikhaya, itna pyar mila, my mother, my family, every woman of my house were touched to their heart, matlab wo ro di, kyunki as a woman mujhe aisa lagta hai na ki aap ye issues har ghar mein dekhte ho, matlab main dekhi hu ye sare issues and kitna important hai aaj ke zamane mein issues ko lana,
सो मुझे ऐसा लगता है इसको ये मजहबी रंग देना बिल्कुल जरूरी नहीं है ना। मेरे घर वालों ने ऐसा सोचा कि एक मुस्लिम घर दिखा रहे हैं या ऐसा उनके दिमाग में आया ही नहीं था। व्हाई आर वी थिंकिंग लाइक दैट? आई जस्ट वांटेड टू से सर मेरा क्वेश्चन है जो आप बैठे हां आई प्ले अनुजीज वाइफ उस्ताद मंजूर अली खान भाई ग्यारह बच्चे है ना, तो अगर मैं एज के हिसाब से देखिए वो कमिट फिल्म में कहीं कमिट नहीं हुआ है, लेकिन हम दोनों के डायरेक्टर साहब के साथ मेरा ही डिबेट है के ये थर्ड वाइफ होगी इनकी, सेकंड क्योंकि बच्चों की जो उम्र है ना सबसे बड़े मेरे बेटे नंबर वन के ही हैं, नंबर टू ये बैठे हुए, नंबर थ्री बेटी वो बैठी हुई है, तो जिसके माशाल्लाह इतने जवान और खूबसूरत लौंडे लौंडी होंगे आप समझ सकते हो वो क्या है। आप लोग मेरे को तो आप लोगों को देखता हूँ, आप लोग इतने सुंदर इतने ब्यूटीफुल है यार, इसीलिए फिल्में नहीं देखता कि मुझे मैं अपने आप को बहुत बदसूरत पाता हूँ। आप सब लोग बहुत खूबसूरत अगले जन्म में नो टैलेंट ओनली ब्यूटी। मैं ये कहना चाहूंगी कि बहुत इजी होता है एक पर्टिकुलर सेगमेंट को पकड़ के फिर हम उसी पे क्वेश्चन आंसर्स करें, क्योंकि जब मैंने ये कैरेक्टर किया स्पेशली बिकॉज ये कैरेक्टर बहुत सफर करता है थ्रू आउट द मूवी में, एंड यही कैरेक्टर है जिसके पास वो वॉइस नहीं है, ये मदर है जो इतने मतलब बहुत बहुत कम एज में पांच बच्चों की माँ है और छठवां बच्चा इसके पेट में है, तो और दिन पर दिन वो अपनी ड्यूटीज निभाती है, वो अपने शौहर की बातें मानती भी है, और ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ मुस्लिम हाउसहोल्ड में होता है, आप हिंदू पारसी सिख ईसाई किसी भी घर में जाके देखिए, एक्चुअली ना रिलीजन को हटा के देखिए, मेल फीमेल के उसमें अगर पर्सपेक्टिव से हम देखेंगे तो आपको रियलाइज होगा कि अ लॉट ऑफ टाइम्स वुमेन गिव कंट्रोल टू द मेन बिकॉज दैट्स हाउ सोसाइटी हैज बीन फॉर्म्ड। या हाउ मच डू यू एग्री विद योर कैरेक्टर? सो आई एम वेरी डिफरेंट फ्रॉम माय कैरेक्टर इन लाइफ, आई लाइक स्पीकिंग, मेरा कैरेक्टर तो बोलता ही नहीं है बेचारा, सहता ही रहता है, तो आई ऑनेस्टली व्हेन आई वाज प्रिपेयरिंग फॉर द कैरेक्टर आई डिड नॉट अग्री विद द कैरेक्टर। मुझे मेरे को हर दिन मैं सोचती थी यार कि एज एन एक्टर आप चॉइसेस लेते हो ना कि यार ये कैरेक्टर ऐसा क्यों कर रहा होगा, ये क्यों नहीं आवाज उठा रही है, इसको इतनी प्रॉब्लम है, तो ये बोल दे कि नहीं करना बच्चा, चली जाए अपने घर वापस, चली जाए मायके ही वापस चली जाए, बट देन द स्टोरी टेल्स दैट के एक्चुअली अ लॉट ऑफ टाइम्स वी टेक डिसीजंस बिकॉज हमारे पास कोई चॉइस होती नहीं है। या so of course I did not agree with the character, but what happened on the climate, the why like committee just said almost all of you almost cried on your day, not short the climate, I've seen the film, so tell me about that so day. If I tell you the climate you will know the movie na, that day aapko movie dekhni padegi, next question dekhi kar dete next question ji excuse me सर हमारे 12 की शुभकामनाएं मेरी आपको है और ये सब्जेक्ट अच्छा आपने लिया है, कुछ लोगों की सोच है जाने भी तो यारो सोच को बदल दो और एक महिलाओं पे आपने आवाज उठाई है, जनता फैसला करे सर, इस बधाई के जो आप मैं बहुत अनुग्रहित हूँ कि आप बधाई दे रहे हैं, इस बधाई के हकदार मेरे चारों प्रोड्यूसर वीरेंद्र भगत संजय नागपाल रवि गुप्ता और शिव बालक सिंह तथा लास्ट बट नॉट लीस्ट श्री कमल चंद्रा है, इसमें मेरा कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है, ये सब आगे भी चाहे वो कोई भी मजहब हो कोई रिलीजन हो ऐसी आवाज उठाते हैं। अरे हम तो अगला हमारे को हुआ तो इससे भी ज्यादा, हम तो कौन के ऊपर एक फिल्म बन रही है, देखो आप ये देखो भारतवर्ष में कितने रहम दिल है, भारतवासी कितने रहम दिल है के बहन सनी लियोनी को भी स्वीकार कर लियो, इनसे पूछे परितोष जी हेलो हेलो जी मेरा सवाल हेलो मैं दीपेश पांडे दिल्ली जागरण से, मेरा सवाल डायरेक्टर और प्रोड्यूसर से रहेगा,
पहला सवाल तो ये कि आपकी फिल्म दो हफ्ते पहले रिलीज होने वाली थी और अलग अलग घरों से कुछ कंट्रोवर्सीज हुई, कुछ इस पे मुझे क्या बोलते हैं विरोध किया गया, कुछ चीजों की वजह से केस किया गया, इसलिए फिल्म दो हफ्ते लेट हो गई। इससे फिल्म पर क्या प्रभाव पड़ता हुआ देख रहे हैं? पहले आप इसका जवाब दें फिर दूसरे। देखिए मेकर्स की इतनी मेहनत, आपको पता ही है कि लास्ट हम लोग एक महीने से फिल्म की प्रमोशन कर रहे थे, फिल्म कांस में भी गई, कांस में स्पेशल वहाँ पे बेसिकली स्क्रीनिंग हुई, कांस में स्क्रीनिंग हुई, यूके में स्क्रीनिंग हुई, ओमान ऐसी कंट्री जो मुस्लिम कंट्री वहाँ पे भी फिल्म लग रही है, तो कंटिन्यू प्रमोशन लोग कर रहे थे। लेकिन 6 तारीख को कोर्ट ने भी जैसा ने बोला कि 125 करोड़ वाले लोग में कोई एक व्यक्ति को फिल्म अच्छी लगती है और कोर्ट चला जाता है और वो मेकर्स के एक तरफ पैर खींचने लगता है। लेकिन कोर्ट का सम्मान करते हुए, धन्यवाद करते हुए, हम आपको ऑर्डर नहीं कर सकते, हम आपको रिक्वेस्ट कर सकते हैं। छोटी सी बात बताता हूँ, देखो ऑर्डर की आजादी की बात, कुछ लोगों ने तो फिल्म देख ली ना इधर, मुझे लगता है 10-5 लोगों ने फिल्म देख ली है, क्लाइमेक्स देखा होगा, ठीक है, जज ने जो अपना आदेश दिया, आप यकीन नहीं करेंगे हम लोग शूट कर रहे थे उस आदेश के बाद, कम से 15-16 और तो रोने लगे कि ऐसा नहीं होना चाहिए था, अपनी जो एक्टर से रोने लगे, लिटरली आंसू वसूल रहे कि नहीं यार ये तो नहीं होना चाहिए था। ये सच बात बता जी अनु कपूर जी, मेरा सवाल है आपसे, मैं जब इसका टीजर जारी हुआ तो मुझे एक फोन आया, जिस कम्युनिटी की बात कर रहे हैं, जिस समुदाय की बात कर रहे हैं, फिल्म बनी है, उन्होंने मुझसे कहा कि हमने अनु कपूर जी को कभी ऐसा जो विवादित फिल्म है कभी हिस्सा नहीं देखा, प्रेस कॉन्फ्रेंस हो तो आप उनसे एक सवाल जरूर कीजिएगा, जैसे वो कह रहे हैं कि जब फिल्म रिलीज हो जाए आप देखें तो तब राय कायम कीजिए, तो उस लड़के ने मुझसे सवाल किया कि जैसा भी इन्होंने जर्नलिस्ट ने भी कहा है कि आयत सूरह बकरा की आयत को आपने जरा सा उठा करके बीच से और ये दिखाने की कोशिश की कि जैसे इस कम्युनिटी में, इस समुदाय में सिर्फ मुस्लिम औरतें बच्चे पैदा करने के लिए हैं या सिर्फ उनको खेती समझा जाता है, तो इस तरीके की क्या जरूरत पड़ रही है अनु कपूर जी को फिल्म में काम करने की, ऐसा उसका सवाल था कि ये जरूर कीजिएगा। अब उसी कम्युनिटी से सवाल आया जिसकी आप बात कर रहे हैं सर। ये मेरा साइड प्रोफेशन नहीं है, अच्छी स्क्रिप्ट होगी, मेरे प्रोड्यूसर ने अच्छा पैसा देगा, काम ठीक है, डायरेक्टर ठीक है, मैं स्क्रिप्ट कर लेता हूँ। उनको ये बोल रहे जिन्होंने आपसे क्वेश्चन किया था, जिन्होंने आपसे क्वेश्चन किया था, उनको एक सेकंड प्लीज मैम, उनसे एक बात, मेरी तरफ से एक बात बोल देना, यूट्यूब पे जितनी बातें आपने मुझे बोले ना टाइप करके डालेंगे, तुम्हारी औरतें तुम्हारी खेती है, ठीक है, औरत शोहर की फर्म बर्दारी के लिए, ये डालें, टाइप करें, मिलियंस वीडियोस उनके सामने निकल के आ जाएगा, बहुत बड़े बड़े आलिमों के, बहुत बड़े बड़े मौलानाओं के, तो ये क्वेश्चन तब क्यों नहीं किया भाई? मैटर हैज बीन सॉल्वड, सारे लोग यहां पे आए, हिंदू धर्म का वो कर रहा था, मेरा संबंध किसी धर्म से नहीं, मैं नास्तिक आदमी हूँ, मजहबी बहस मैंने की ही नहीं, मजहबी समझती हैं आप, मजहब धर्म रिलीजन, मजहबी बहस मैंने की ही नहीं, इतनी अकल मुझ में थी नहीं, आप समझे मेरी बात, मजहबी मजहबी जिसका जिन साहब का आपने नाम लिया है जी। वो किस तरह की फिल्में बनाते हैं और कितना हिंदू धर्म का अपमान किया है उन्होंने, उनके ऊपर तो आए ना जूते भी पड़े ना, फिर तो ऐसा रॉन्ग इन्फॉर्मेशन हमको अपने बीच में नहीं आने देनी है, इतना एक मैं इल्तिजा कर सकता हूँ। अनु कपूर जी मेरा सवाल आपने आपने एक सवाल पूछा था जी जी। देखने क्यों जाए मेरी भाई, कलाकार प्रोड्यूसर डायरेक्टर सारे एक्टर्स फिल्म इसलिए करते हैं कि उनका रोजगार आमद है, ठीक है, और फिल्म इसलिए करते हैं कि फिल्म अच्छी चले, लोग ज्यादा से ज्यादा देखें। मेरे प्रोड्यूसर ने अगर 10 करोड़ लगाए हैं कि तो उनके उनके जेब में 250 करोड़ आने चाहिए। हम आपका जवाब यह कि फिल्म क्यों देखने जाएं, भाई साहब फोर्स नहीं कर रहे, हाथ जोड़ के विनती कर रहे हैं, आपसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि कृपया हमारी फिल्म देखें, हमें ग्रेटफुल करें बस। अनु कपूर जी मेरा सवाल है आपसे, एक सवाल जो मैं करना चाहूंगा, अभी मुझे वीरेंद्र भगत हैं, उसके बाद श्री रवि गुप्ता हैं, श्री बालक सिंह जी हैं और संजय नागपाल जी, ये चार प्रोड्यूसर जी, और ये कमल चंद्रा, ठीक है ना सर। मैं फिल्मी साडू नीचे रखो, आपके प्रश्न का उत्तर ये लोग ज्यादा उपयुक्त दे पाएंगे,
आप गलत आदमी से सवाल गलत। आपने सर एक इंटरव्यू में कहा था कि पहले फिल्म देखिए फिर कोई राय कायम कीजिए, मैंने सही आपसे ये सवाल किया। बिल्कुल सही बात है, आपने फिल्म देखी और मैं फिल्म देख, लेकिन क्योंकि पूरी फिल्म एक ही समुदाय साथ है ना, फिल्म देखता हूँ ना टीवी देखता हूँ ना टीजर देखता हूँ ना ट्रेलर देखता हूँ ना न्यूज चैनल देखता हूँ ना न्यूज पेपर पढ़ता हूँ। आपको गधा कोई नहीं मिला। नहीं सर लोग देखते हैं तो मुझे मालूम नहीं, आप इनसे पूछिए। लेकिन मैं बता रहा हूँ भाई जी, ठीक है, अच्छी बातें करते हैं, इतनी दिन से कंट्रोवर्सी चल रही है, हम लोग सब इतने परेशान हो गए, अब सब कुछ अच्छा हो रहा है, कल फिल्म रिलीज हो रही है, तो अच्छी अच्छी बातें करते हैं, छोड़ दो कंट्रोवर्सी के क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, आज फ्रेश शुरुआत करते हैं भाई। नहीं, जो कंट्रोवर्सी जिस सीन पर थी वो कट कर दिए गए हैं। अरे वो छोड़ दो, उस वाले मुद्दे को हटा दो, आज अच्छी बातें करते हैं भाई। देखिए जी, दो लाइन बता, हाई कोर्ट ने हमारे 12 फिल्म के ऊपर जो प्रतिबंध लगा था स्टे ऑर्डर रिमूव कर दिया है, और 21 जून यानी कि कल फ्राइडे के दिन ये फिल्म रिलीज हो रही है ऑल ओवर द वर्ल्ड, और मैटर हैज बीन सॉल्व्ड बिटवीन द पेटिशनर एंड द रिस्पॉन्डेंट। चलिए आगे बढ़े, अनु जी इस फिल्म में आप बहुत अच्छे किरदार में बड़ा अच्छा अपने रोल अदा किया है, और इस जब लास्ट में जो सब टाइटल आता है उसमें लिखा था कि अनु कपूर कंपोज बाय अनिल कपूर, तो आपने कुछ कंपोजिशन किया है कि इस गाने में इस फिल्म में? आपने फिल्म देखी है? हाँ कल देखी मुझे। तो सरकमस्टांसेस कुछ ऐसे बन गए थे कि हमारे प्रोड्यूसर्स ये जो चार फोर मस्केटियर्स हैं, ये लड़ाके हैं, और इनके डिटर्मिनेशन को, वीरेंद्र भगत के डिटर्मिनेशन को, संजय नागपाल, शिव बालक सिंह और रवि गुप्ता के डिटर्मिनेशन, ये अपने इरादे के इतने पक्के हैं, किसी से सपोर्ट न मिलने के बावजूद ये अपने दृढ़ निश्चय पर टिके हैं। तो प्रॉब्लम तो राइट फ्रॉम द वेरी बिगनिंग आई, तो सरकमस्टांसेस ऐसे हो गए कि उन सरकमस्टांसेस ने मुझे मजबूर कर दिया कि मैं अपने प्रोड्यूसर्स और अपने डायरेक्टर के आदेश के ऊपर मैं इस फिल्म का म्यूजिक कंपोज करूं। गड़बड़ हो रही थी वहां पर, इसलिए सब कुछ मजबूरी में करना पड़ा और उल्टा करना पड़ा, वहां पे कंपोज किया और उसके बाद उसके ब्लूटूथ से अटैच करके उसके ऊपर लिपसिंग किया। आप सब फिल्म से अच्छी तरह से वाकिफ है, फिल्म मेकिंग से, कि फिल्म मेकिंग में जब भी कोई गाना शूट होता था पहले रिकॉर्ड किया जाता है, उसके बाद सेट के ऊपर एक्टर लिपसिंग करता है, लेकिन यहाँ उल्टा हुआ। तो ये हो गया, तीन कव्वालियाँ हैं, एक और सॉन्ग है वो कंपोज किया है, रोमांटिक सॉन्ग है, तीन कव्वालियाँ जो हैं वो म्यूजिक डायरेक्शन मेरा है, दो जो लिखा जो कविता है फर्स्ट टू जो है उसमें सूफी खान साहब भी शामिल हैं, एक बंद इन्होंने लिखा है, और जो नातिया कलाम है, नातिया कलाम तो वो कब आता है, नातिया कलाम मेरे मुस्तफा, तो वो नातिया कलाम वो रचना होती है, वो प्रशस्ति होती है, वो कसीदे होते हैं जो प्रॉफिट और नबी की शान में जो पढ़ा जाता है, तो वो लिखा भी मैंने और कंपोज भी किया है। और अगेन सिचुएशन ऐसी आ गई कि मुझे फाइनली वो गाना भी पढ़ा, जबकि मैं इसके बिल्कुल फेवर में नहीं हूँ, लेकिन मेरे हाथ इतने बन चुके थे और ये चारों मुझ पर इतना प्रेशर डाल रहे थे। मैंने 3-4-5 लोगों को ट्राई किया, आनंद शर्मा जी ने म्यूजिक अरेंज किया है, तो इस तरह से ये फिल्म बनी, बहुत जद्दोजहद के बाद बनी, और बाकी तो किन सर्कमस्टेंसेस से गुजर के कहां फंसी है उससे आप सब तरह से वाकिफ हैं। सर आपने अभी मेंशन किया कि आपको तो मेरा मतलब ये था आपको अभी कंपोजिशन भी करनी पड़ेगी आगे चल के और गाना भी पड़ेगा, तो बड़ा अच्छा। देखिए सर बात ऐसी है कि मैं तो मजबूरी के अंदर इस लाइन में आया हूँ, इस लाइन में मेरा कोई पैशन नहीं है, कोई हॉबी नहीं थी, मेरा तो बहुत अच्छा एकेडमिक करियर था सर, अगर मेरे माँ बाप गरीब नहीं होते, थोड़ा पैसा आगे पढ़ा देते तो मैं IAS वाइस कहीं बनता, मैं मजबूरी में इस लाइन में आया, लेकिन मजबूरी में आया कि पैशन से आया, किसी भी मैं अपना काम ईमानदारी और मेहनत के साथ करता हूँ। आप लोगों में से बहुत सारे लोग जब मैं आया होंगे तब शायद बहुत छोटे होंगे या पैदा भी नहीं होंगे, अभी 42 ईयर्स हो गए, लेकिन मैंने अपने दामन पे कोई हर किसी के सामने फैला नहीं, इसलिए दामन मेरा मैला नहीं। रिलीज हो रही है अभी स्टार्टिंग में, और बाकी आप लोग ऑडियंस जैसे इसकी व्यू देगी
दिखती जाएगी और स्क्रीन बढ़ता जाएगा। हेलो हेलो, यहाँ पर सामने। मेरा सवाल अनुज जी से नहीं है बल्कि डायरेक्टर से है और चार प्रोड्यूसर से है। सर, हम एक पिक्चर लोग क्यों देखना चाहेंगे और इसके पीछे कॉन्सेप्ट क्या है? देखिए, पहली बात तो ये फिल्म बात करती है पॉपुलेशन के मुद्दे की। ये एक नारी की आवाज़ की बात करती है, जो जो औरत, जो एक नारी है जो कुछ बोल नहीं पाती है, कुछ उसकी हसरतें अंदर ही रह जाती है, लेकिन वो कुछ बोलना चाहती है, उसके दर्द को बताती है, एजुकेशन के मुद्दे को बताती है। और मेरे हिसाब से ज़्यादातर मैं कहूँगा तो जो हमारे समाज में नारी को बोलते हैं कि बराबरी का स्थान मिल गया है, सब लोग कहते हैं, लेकिन कोई दिल पे हाथ रख के बताए क्या ऐसा है कि हम बराबरी का दाता समझते हैं? नहीं, ऐसा नहीं है। अगर सुबह की अगर चाय बनाने की बात आती है, आज भी सुबह उठ के औरत ही चाय बनाती है, आदमी मुझे लगता है 10 में से 9 घर में तो औरत ही चाय बनाती है, तो उसकी बराबरी की बात करती है फिर, उसके सम्मान की बात करती है, उसके हक की बात करती है। ये फिल्म उसी मुद्दे की है। और ये फिल्म लोअर मिडिल क्लास फैमिली की फिल्म है, हमने फैमिली लिया हुआ है फिल्म की। और आज की डेट में हर जगह, आज की डेट में आप देखिए हर लोअर क्लास मिडिल फैमिली में हालत वैसी है जो हमारे हमने हमने हमारे फिल्म में दिखाया हुआ है। माइक प्लीज, आप आगे आइए बॉडी। जो इसमें फिल्म में दिखाया हुआ है वो एक फैमिली की कहानी है जो हर जगह हो रहा है। इनफैक्ट आपको पता होगा, देखा, इनफैक्ट सबके गांव में, विलेजेस में चीज़ें हो रही है जो हमने फिल्म में दिखाया हुआ, रियल चीज़ दिखाया हुआ। आप लोग देखेंगे तो आइडिया होगा क्या फिल्म है, कैसी है और क्या है। आइडिया कैसे आया सर आपके जहन में, क्या इस पर फिल्म बनाई जाए? आइडिया हमें राइटर लेके आते हैं हमारे पास में, हमारे पास में राजन अग्रवाल जी बैठे हैं, इन्होंने स्टोरी लिखी है और इनकी स्टोरी जब रवि गुप्ता जी के पास आई तो स्टोरी को सुनकर के हमें लगा कि इसके ऊपर कुछ ना कुछ अच्छा काम जरूर किया जाना चाहिए। और एक बात और बताना चाहूँगा, जैसे बताया कि स्त्री का शोषण होता है तो नहीं होना चाहिए, पॉपुलेशन अवेयरनेस के लिए है। हमारे परिवार में अगर 2 बच्चे होंगे तो हम उनको अच्छा खाना दे सकते हैं, अच्छा कपड़ा दे सकते हैं, अच्छी एजुकेशन दे सकते हैं, लेकिन आज कई ऐसे भी घर देखे हैं जिनके इतने बच्चे हैं कि उनको बच्चों का नाम भी याद नहीं रहता। हमने जब ये फिल्म का पोस्टर रिलीज किया था, वीरेंद्र भैया आप जानते हैं क्योंकि आप थे वहां, 5 अगस्त 2022 को हमने इसका पोस्टर रिलीज किया था, तो उसके ऊपर एक स्लोगन डाला था कि बहुत जल्द हम चीन को पीछे छोड़ देंगे। लेकिन आज अनुसर हम लोग चीन को पीछे छोड़ चुके हैं, तो ये बहुत गंभीर समस्या है, बहुत ज्यादा गंभीर समस्या है। जो डायलॉग्स राइटर्स हैं, जज साहब जब कल क्वेश्चन मार्क हो रही थी तो इन्होंने कुछ जवाब भी दिया था, खान साहब जिन्होंने डायलॉग लिखा है। और इसमें से मैं पूछना चाहूंगा कि कल हम लोगों ने मीडिया सो रखा था तो कुछ लोग हैं जो फिल्म देख कर आए थे, कितने लोगों ने फिल्म देखा? कभी कभी ऐसा लगा कि वो लॉट ऑफ वो डायलॉग जिसने बोला तुमको अल्लाह ऊपर 3-4 बार आता है, दैट इज द ओनली आई फेल्ट। मैं आपको बता दूं, जैसे हम जय श्री राम बोलते हैं तो वो मन की आवाज है, जब आपको लगता है आप जय श्री राम बोलते हैं उसमें कॉन्टेक्स्ट की भी जरूरत नहीं है। तो हमारी फिल्म में तो कॉन्टेक्स्ट में बोला गया है, जब भी यूज हुआ है अल्लाह अकबर तो कोई भी ऐसे नहीं बोला गया कि आप बोल दो, कॉन्टेक्स्ट में बोला गया। जब ऐसी कोई बात हो रही है जहां अल्लाह को या खुदा को हाजिर नाजिर करने वाली बात है, इसलिए वहां पे अल्लाह अकबर बोला। बिल्कुल। ऐसा कौन से फील कि जब कोर्ट ने भी और सेंसर ने भी सर्टेन डायलॉग्स को काट के बोला तो वो फर्क पड़ा है एज अ राइटर, हाउ डू यू फील अबाउट इट? बहुत बुरा लगता है, बिल्कुल बुरा लगता है, क्योंकि आप ऐसा नहीं लिख रहे होते, सेंसेशनल बनाने के लिए कोई डायलॉग नहीं लिख रहे होते हो, या आपको अपने आप को साबित करने का, कहानी के साथ जो जस्टिफाई डायलॉग थे वो लिखे हैं। और मैं आपको ये भी बता दूं कि जज साहब, जो हमारे माननीय जज साहब ने फिल्म की तारीफ की, ना सिर्फ तारीफ करी, उन्होंने एक बात कही कि ये वो फिल्म नहीं है जिसका दिमाग आप घर पे रखकर जाए, ये फिल्म आपको सोचने पर मजबूर करती है, थिंकिंग। तो उसी के हिसाब से डायलॉग लिखे गए, तो कहीं भी हमने एग्जैजरेट करने की कोशिश कहीं भी नहीं कही है। आप लोगों ने फिल्म देखी है तो आप लोग बेहतर जानते हैं इस बात।
और देखिए ये बेसिकली क्या था कि आप सेंसर बोर्ड की बात कर रहे कि काटी थी, सेंसर बोर्ड की तीन कमेटी ने इस फिल्म को पास किया था। पहली कमेटी में कल कोर्ट में भी बात कही गई कि 6 लोग थे, दूसरी कमेटी में 8 लोग थे और तीसरी कमेटी जो था वो हाईकोर्ट ने अपॉइंट किया था और उसमें 3 लोगों ने देखा जिसमें एक मुस्लिम बैकग्राउंड से भी लोग थे, उन्होंने भी ये बात कही। और जो पेटिशनर थे और भी एक पेटिशनर तो थे ही, उसके साथ 3-4 पेटिशनर और ऐड हो गए, उन्होंने एक ही बात कही कि ये फिल्म टीजर ऐसा है, ये सिर्फ ऐसा है। तो जज साहब ने एक ही बात कही कि देखो ये फिल्म मैंने देखी है और ये फिल्म महिला सशक्तिकरण की, महिला की आवाज़ उठाने की, महिला के बारे में बताने की, तो ये फिल्म उसको दर्शाती है। तो पहले आप फिल्म देखो फिर आप बात करना, 1 मिनट का टीजर देख के आप फिल्म की जजमेंट नहीं कर सकते। जब महिला की आती है, जब महिला की बात आती है, तो मैं मुस्कान से पूछना चाहूंगा कि आपने इसमें एक रोल, बड़ा रोल जो निभाया, उसके बारे में क्या कहेंगे, आपको क्या कहना? जी, मैं इसमें ये कहना चाहूंगी कि जो मैंने शाजे का कैरेक्टर किया है वो ये दर्शाता है कि कोई भी फैमिली अगर उतने बच्चे करे जितने पालने के लिए वो सक्षम है तो उनको वो एक बहुत बेहतर लाइफ प्रोवाइड करवा सकते हैं और हर फैमिली के लिए बेटर होगा, हर कंट्री के लिए बेटर होगा। ये गलत नहीं है कि आप एक बच्चा कर रहे हैं, 2 कर रहे हैं कि 3। बात यह है कि आप कितनों को पाल सकते हैं, कितनों को सही से पालने की आपके पास रिसोर्सेज हैं, वो मैटर करता है। तो अगर आप अच्छे से पाल सकते हैं, एक अच्छी तालीम दे सकते हैं तो ज़रूर बच्चा करें। तो वही शाजिया का कैरेक्टर मेरा पोर्ट्रे करवाता है कि मेरे जो अबू हैं उन्होंने एक बच्चा किया जिनको पालने के लिए उनके पास प्रॉपर रिसोर्सेज थी तो उनको वो एक अच्छी अपब्रिंगिंग दे पाए हैं। शाजिया अपनी लाइफ में खुश है, वो पढ़ी लिखी है, कॉलेज में ट्रिप्स पे जाती है, वेयरएज यही 12 बच्चे अपनी लाइफ में दुखी हैं, स्ट्रगल कर रहे हैं बिकॉज उनके पेरेंट्स के पास रिसोर्सेज उतनी नहीं थी कि वो आगे जाके उनको एक अच्छी लाइफ दे पाएँ। सो द मूवी इज पोर्ट्रेइंग कि आप उतने बच्चे करें, उतना ही परिवार बनाएं जिनको आप अच्छे से पाल पाएं। बहुत सोशल मैसेज है, विमेन एम्पावरमेंट के ऊपर है और बहुत ही अच्छी मूवी है, आप जब सब देखेंगे तो आपको बहुत पसंद आएगी। मेरा एक सवाल था, खाली एक ही कम्युनिटी के ऊपर क्यों मूवी बनती है? बस एक ही कम्युनिटी को क्यों टारगेट किया जाए? आपको एक बात बताना चाहता हूँ कि सबसे पहली बात तो मुसलमान या पारसी या जितने भी लोग हैं जो अलग अलग धर्म के, वो हिंदुस्तान में पाए जाते हैं, एकता में अनेकता यही है, तो क्यों ना हम मुसलमान की कहानी कहें। और मैं आपको बताता हूँ, आप केरला स्टोरी और कश्मीर फाइल की कहानी और उसका प्रमाइस बहुत अलग है। ये प्रोपोगंडा फिल्म नहीं है, मैं आपको सबसे पहले बता दूँ, ये एक फैमिली की कहानी है। इसमें कोई ऐसा मुद्दा नहीं है कि हम ये पेश करना चाहें ऐसा हुआ था तो हम ऐसा कर, ये आज की कहानी है सर। और मुसलमान है तो प्रॉब्लम क्या है? मैं खुद मुसलमान, प्रॉब्लम की बात नहीं, आपने जिस तरह से हाईकोर्ट ने आपको जो कट करने का पार्ट, जो कट करने के लिए कहा गया है आपको, वो आपने पार्ट कट किया, राइट? जो टीजर था पहले जो आपने बताया था, वो टीजर में आपने आधी आयत को कह सकते ट्रांसलेट कराकर बताया था, वो आपने पूरा ट्रांसलेशन क्यों नहीं बताया सर? टीजर था इसलिए, टीजर yes, था तो सेंसेशन तो वहीं से बना, राइट? नहीं, नहीं, आप एक बात बता, फिल्म का स्निपेट्स होते हैं टीजर, पूरी चीजें अगर मैं उसी में दिखा दूंगा तो फिल्म में दिखा दूंगा। और दूसरी बात, एक मैं आपको चीज कंफर्म करना चाहता हूँ, मैं टीजर पे वैसे बात नहीं करना चाहता क्योंकि सारी चीजें हो चुकी हैं। नहीं, एक कंफ्यूजन इधर ये है कि हाई कोर्ट ने नहीं बोला लाइन हटाने के लिए, ये हम लोग पहले ही हटा चुके थे। ये गलत फहमी है मीडिया के अंदर कि हाई कोर्ट ने बोला फिर हमने, हम पहले ही हटा चुके थे। दूसरी बात ये बात अगर किसी धर्म, ये कहानी है, अगर हिंदू में बात होती, मुस्लिम छोड़ दीजिए, तो तब आप लोग ये क्वेश्चन करते क्या? पहले हिंदू जो फिल्में बनी है उसमें पंडित जी कत्ल कर रहे हैं किसी का, कोई रेप का सीन हो रहा है, जब ये सब बातें तब क्यों नहीं आई? सर काफी पहले भी उठी है बातें, नहीं कभी नहीं, पीके फिल्म में लीला बंसाली की, जब भी आप संजय लीला बंसाली की बात मत करो, आप तब भी चीजें हुई है, ऐसे नहीं हुई है, बट उन्होंने कभी हिंदू धर्म को ऐसा गिरा कर नहीं बात। अरे पहले तो हिंदू, पहले बहुत सारे ठाकुरों पे भी फिल्म बनी है, आप देखिए उठाकर, अब ठाकुर समाज भी जाके बोलते हैं, आप सैकड़ों फिल्में उसमें बनी है पहले के टाइम में। नहीं, पहली बात तो ये देखिए, इस कम्युनल मत बनाइए भाई, जब एक फिल्म बनती है ना
तो उसके लिए कहानी आती है, एक राइटर कहानी लेकर आता है, हम उसको बुनते हैं बनाते हैं, और उसमें ये नहीं सोचते कि अरे हिंदू की बनाएंगे तो ऐसा होगा, मुस्लिम की बनाएंगे तो ऐसा, ईसाई की आएगी, तो फिल्म अच्छी बननी चाहिए। बहुत, आपने फिल्म देखी है? नहीं सर, मैंने आप प्लीज एक बार फिल्म देखिए, आपसे रिक्वेस्ट है फिल्म देखिए, ये जो आपका परसेप्शन है चेंज हो जाएगा। बट एक और यहाँ पर क्वेश्चन रेज होता है सर, ये आज ही क्यों, ये 15 साल पहले अनु कपूर जी, सर अनु कपूर जी, अनु कपूर जी मुझे जब इस फिल्म का जी प्रोड्यूसर से ये क्वेश्चन है, ये जो मूवी बनाई गई है ये 15 साल पहले अगर आप बनाते तो कहीं ना कहीं समझ में भी आती कि तभी बच्चे बहुत ज्यादा पैदा किए जाते थे, बट अब तो इतना एजुकेशन बढ़ चुका है कि अरे भाई हमने रिसर्च की है, दो मिनट भैया बस, हमने रिसर्च की है, हम लोग अपनी एडी टीम के साथ में गए थे, ऐसे ऐसे जगह अपने रिसर्च किए, बच्चा पैदा करने से पहले पूछा भी नहीं जाता है कि आपको बच्चा चाहिए कि नहीं, अब खुल के बात नहीं कर सकते हैं क्योंकि फिल्म है, फिल्म के तरीके से बात करते हैं। एक हमारे जज साहब ने बोला एक डायलॉग, माय बॉडी माय चॉइस, ये सिस्टम ही नहीं है, खुल के बात करेगा तो ये है, वहां जाते हैं बच्चे प्रेग्नेंट हो जाती है और उसको बच्चा पैदा करना पड़ता है, तो वही चीज है, उस चीज को मत जाइए कि बच्चे अभी नहीं हो रहे, ज्यादा हो रहे, बच्चे आज भी उतने पैदा हो रहे हैं, थोड़ी सी अवेयरनेस है बिकॉज ऑफ एजुकेशन एंड ऑल। सर ये एरिया आप बता सकते हो आपका रिसर्च जो था वो कौन से एरिया, क्योंकि एजुकेटेड, फिर आप एक नया मुद्दा बना दो। अनु कपूर जी मेरा सवाल आपसे है, अनु कपूर जी अच्छी बातें करते हैं भाई, प्लीज मैंने स्टार्टिंग में इसलिए बोला था, अनु कपूर जी एजुकेशन को लेकर ही बात करी कर रही हूँ, गलत नहीं किया है, और आपके सवाल सर आंखों के ऊपर है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, सीधी सिंपल सी बात है, इट्स अ स्टोरी ऑफ अ मुस्लिम फैमिली लेड बाय उस्ताद मंजूर अली खासन जी, दैट्स इट, मैटर हैज बीन सॉल्व, थैंक यू वेरी मच। 15 साल पहले आप 30 साल की नहीं थी, 15 साल पहले आप केवल 15 साल की थी, तो हर चीज का अपना एक वक्त होता है, अपना एक एरा होता है, अपना एक टाइम होता है, हो सकता है अगली फिल्म कमल बाबू जो है किसी और के ऊपर बनाए, हो सकता है एटॉमिक वॉर के ऊपर बना दे, तो इतनी क्रिएटिव लिबर्टी हमें मिलनी चाहिए, कलाकार को मिलनी चाहिए, लैंग्वेज के लेवल के ऊपर पहले भी लोगों ने क्रिएटिव लिबर्टी ली है, और जिन साहब का आप जिक्र कर रहे हैं मैं फिल्में नहीं देखता हूँ, बिल्कुल नहीं देखता हूँ, लेकिन उन्होंने भी कुछ हरकतें तो ऐसी की हैं, हैं? वो क्या आई थी अकबर खिलजी, क्या है बताना, क्या नाम, पद्मावत।